हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चित्रकला क्लासेस में। तो दोस्तों, हम आपके लिए फिर से एक नया और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पांचवी सदी में कौन से चीनी का साहित्य द्वारा छायांकन का विकास हुआ? मोती के द्वारा। अब्सकुरा कैमरे का निर्माण किसने किया था? इब्न अल हैथम ने किया था। पिन होल कैमरे का विकास किसने किया? लियोनार्डो दा विंची ने किया था। 1816 में प्रथम बार सिल्वर क्लोराइड से फोटोग्राफ का निर्माण किसने किया? जोसेफ निप्से ने किया था। टॉलवर्ट कागज पर किससे प्रयोग प्रारंभ किया? सिल्वर नाइट्रेट से। अगला प्रश्न, टॉलवर्ट द्वारा प्रथम नेगेटिव प्रिंट कब बनाया गया? 1835 ईस्वी में। द पेंसिल ऑफ नेचर पुस्तक का प्रकाशन किसने करवाया? टॉलवर्ट ने। वास्तविक फोटोग्राफ टॉलवर्ट ने अपनी किस पुस्तक में लगाए थे? द पेंसिल ऑफ नेचर। भारत में सर्वप्रथम कब कोलकाता में पहले फोटो स्टूडियो की नींव पड़ी? 1849 में। व्यावसायिक फोटोग्राफर के रूप में भारत कौन आया? सैमुअल बोर्ने। अगला प्रश्न, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विभाग को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, राज्य ललित कला स्नातकोत्तर महाविद्यालय। अगला प्रश्न, जनाना फोटोग्राफी स्टूडियो का प्रारंभ किस अंग्रेजी महिला के नेतृत्व में हुआ? कैनी लुइक। अगला प्रश्न, कागज और प्लास्टिक से बना कैमरे को क्या कहते हैं? डिस्पोजेबल कैमरा। अगला प्रश्न, फिल्म को एक्सपोज करते ही फोटोग्राफ प्राप्त करने के लिए तत्काल परिणाम देने वाले कैमरे को कहते हैं? पोलराइड कैमरा। अगला प्रश्न, रॉ यह गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, यह विकल्प किस कैमरे में उपलब्ध होता है? डीएसएलआर कैमरे में। अगला प्रश्न, एक फाइल फॉर्मेट की अपेक्षा एक छवि संपीड़न मापक है जो कुल 24 बीट के लिए प्रत्येक रंग के लिए 8 बीट का समर्थन करता है कहलाता है? इसका उत्तर है जेपीईजी। फाइलों का आकार किसमें बड़ा होता है? टिफ में। फोटोग्राफी का आधुनिक उपकरण है डिजिटल कैमरा। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त। फोटोग्राफी का जनक किसे माना जाता है? निस्फोर निप्से। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आने वाले समय में आपके लिए और भी वीडियो लेकर आएंगे। हमारे चैनल चित्रकला को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारे वीडियो के नए अपडेट्स मिलते रहें।